दिल्ली में यमुना के पास की झुग्गियों कराया गया खाली, लोगों को कैंप में किया गया शिफ्ट। जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे डूबी कई झुग्गियां। यमुना खादर पर रह रहे लोगों पर ध्यान देगा एमसीडी। मेडिकल वैन की गई तैनात, दवाई और हेल्थ चेकअप की मिलेगी सुविधा। यमुना पार में बड़ी साइबर ठगी की घटनाएं। युवती समेत 3 के अकाउंट से ठगों ने निकाले पैसे, फर्जी कॉल कर ली थी सारी जानकारी। पूर्वी दिल्ली में बैन के बावजूद बिका चाइनीज मांझा, दुकानदारों ने किया दावा मार्केट में मौजूद नहीं था चाइनीज मांझा। और निगम प्राइवेट हाथों को सौंपेगी 10 समुदाय भवन। आर्थिक हालत की वजह से लिया गया फैसला, भवनों की देखरेख भी करेंगी प्राइवेट कंपनियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। यमुना का जलस्तर बढ़ने पर यमुना के पास में बसी हुई झुग्गियों को प्रशासन द्वारा खाली कराया गया है। झुग्गी वालों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए 25 टेंट लगाए गए हैं। साथ ही बचाव कार्य के लिए सिविल डिफेंस भी तैनात किया गया है। इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से यमुना पार समेत राजधानी दिल्ली में हर घंटे बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए यमुना नदी के आसपास रह रहे कई लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान तक पहुँच गया है। लगातार बारिश के कारण जो कि हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसे जो यमुना का जल स्तर है वो खतरे तक पहुंच गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ADM अरुण गुप्ता जी। सीधे बात करते हैं सर, क्या क्या इंतजाम जो किए जा रहे हैं, यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है उससे क्या क्या इंतजाम जो किए जा रहे हैं जो निचले स्थल पे जो लोग रहते हैं उनके लिए? जी, कल हथनी कुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तो इससे वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। 205 का लेवल क्रॉस कर गया है, डेंजर लेवल क्रॉस करने की आशंका है। हम लोगों ने इसके लिए पूरे अरेंजमेंट किए। एक हमारा सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम है वो एक्टिवेटेड है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव 24 आवर्स मौजूद हैं और जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारी टोटल 30 बोट्स हमारी और इरीगेशन फ्लड कंट्रोल की मिला के डिप्लॉयड हैं अलग अलग लोकेशंस पे, अगर किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। इन लोगों के लिए यमुना से दूर करीब 25 टेंट लगाए जा चुके हैं। अगर इसके बाद भी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाना पड़ा तो उन्हें इस नाइट शेल्टरों में ठहराया जाएगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए यमुना के जल स्तर पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इस डिस्ट्रिक्ट में हमने करीब 1100 टेंट्स पिच करने के लिए प्रोसेस ऑन किया हुआ है और करीब अप्रॉक्स 500 टेंट्स ऑलरेडी पिच हो चुके हैं। 5000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाना है, जो प्रोसेस चल रहा है। सुबह से हमारे SDM तहसीलदार और फंक्शनरी सब फील्ड में हैं और इस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। बचाव कार्य के लिए सिविल डिफेंस वहां तैनात है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। ये 17 नंबर ठोकर है, यहाँ पर 25 टेंट लगा चुके हैं हम अभी, और अभी लोगों का शाम तक पता लगेगा कन्फर्म कि कितने टोटल लोग हो गए हैं। काउंटिंग ली जा रही है इनसे, हर टेंट में जितने भी लोग रुक रहे हैं सबकी प्रॉपर काउंटिंग बनाई जा रही है। अभी ये लोग शिफ्ट हुए हैं आज, तो आज शाम को प्रशासन की तरफ से खाना आएगा, वो इनको दिया जाएगा, और कल से फिर रूटीन में सुबह नाश्ता और दोपहर में खाना रात को खाना रहेगा। ये कल शाम से ही शिफ्ट करना शुरू कर दिया था इनको, कल से ही इनको मोटिवेट करना शुरू कर दिया था कि ये लोग शिफ्ट हो जाएं। इसके अलावा यमुना में बोट तैनात कर दिए गए हैं और लोगों को जरूरत के हिसाब से चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। पुराने लोहे के पुल के नीचे बनी कई झुग्गियां पानी में डूब गई। रात में ही यमुना खादर इलाकों में रहने वाले लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने लगे। 5 बजे पानी घुसे थे, हम बच्चे लोग सब लेके सो रहे थे, हम निकाल भी नहीं पाए सामान, आधा सामान हमारा चला गया, घर भी चला गया हमारा सारा, आदमी भी नहीं था हमारा, काम पे चले गए थे, वो कुछ भी नहीं बचा हमारा। प्रशासन ये कर रहे, पुलिस वाला सिर्फ यहाँ से भगा रहे, अभी टेंट भी नहीं लगाए, बच्चे को लेके हम कहाँ धूप में बनेंगे पहले बताओ, क्या खाएंगे हम, हमारा कमाना खाना भी चला गया, हमारा जमने काम तो हमारा आदमी गोता खो रहे।
सुबह 5 बजे पानी आया, मेरे लोग तो बिस्तरा में बह के चला जाता, पता भी नहीं चले। पानी सुबह आया? क्या आपको पहले नहीं बताया गया था कि पानी आने वाला है, पहले झुगिया खाली कर दें? नहीं। तो अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी आप सामान कहाँ जाएँ लेकर? पढ़ाए ऐसे ही ठिकाना मिलेगा वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी तक तो सर कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुआ है, बाद में जो लोग हम कमाते हैं उसी में से खिलाए हैं, अभी कुछ भी नहीं आया, अब आगे देखते हैं। खाना पीना आई है नहीं, बच्चे उच्चे सब अपन नीचा से आके ऊपर में शिफ्ट होंगे, अभी खाना उना नहीं आई है। हजारों की संख्या में लोग यमुना की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस बीच एहतियात बरतते हुए लोहे का पुल भी बंद कर दिया गया है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ कुणाल शर्मा की रिपोर्ट CCN के लिए। यमुना खादर के पास रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम ध्यान देगा, इसके लिए वहां निगम की हेल्थ वैन की ड्यूटी लगाई गई है। शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन कंचन महेश्वरी ने बताया कि लोगों को दवाई और हेल्थ चेकअप की सुविधा के साथ निगम द्वारा साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाएगा। देखिए, यमुना खादर में जो भी झोपड़पट्टी में रहते हैं वो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब तक एक हाथ दूसरे हाथ को सहयोग नहीं करेगा देश आगे कैसे बढ़ेगा। इसके लिए MCD की तरफ से हमने 4 टीमें तो डॉक्टरों की लगाई हैं, जो कि हर जगह उनको पूरी तरह से दवाइयां उपलब्ध कराएंगे। और दूसरा, जो यमुना खादर के हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनके लिए जो टेंट की व्यवस्था की गई है उसके अंदर हमने सबसे पहले दवाइयों का छिड़काव वहाँ पे करवाया है, जो कि अब शुरू हो चुका है, और जिससे कि वहाँ पे उन्हें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी फैलने का अंदेशा ना रहे। हमारे भाई वैसे ही बहुत मानसिक रूप से परेशान हैं, हम और नहीं चाहते कि उनको किसी भी तरह की बीमारियों से घेरे, और इसके साथ सफाई की व्यवस्था का भी MCD पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने अपनी एक स्पेशल टीम बनाकर वहाँ पे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी काम किया है। अभी आपने बहुत अच्छा ध्यान मेरा पार्किंग की तरफ भी दिलाया है, उसके साथ साथ जो भी संभव होगा जहाँ पे जितना भी मुझे सख्ती से काम क्यों ना करना पड़े, मैं अपने यमुना खादर के भाइयों के लिए जो वहाँ पे रहेंगे उनके लिए चाहे ये पार्किंग हटवानी पड़े, चाहे ये पार्किंग के लिए रोज़ाना मुझे क्रेन भेजनी पड़े, किसी भी शर्त पे मैं वहाँ पे उस पार्किंग के लिए भी समाधान ढूंढने का प्रयास करता हूँ। साइबर ठगी के लगातार आ रहे मामलों के बाद भी ना तो लोग सचेत हो रहे हैं और ना ही ठगी घटनाएं कम हो रही हैं। दूसरी ओर अपराधियों के हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में ऐसे ही ठगी के 3 मामले सामने आए हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं और इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप भीम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। इन दिनों इन प्लेटफॉर्म्स पर खूब ठगी हो रही है। पहली घटना पूर्वी दिल्ली के न्यू गोविंदपुरा इलाके की है। यहाँ रहने वाले एक गारमेंट व्यापारी को कस्टमर पेटीएम के जरिए पेमेंट करता है, लेकिन वो पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं पहुँचती, जिसके बाद व्यापारी कस्टमर केयर पर फोन भी करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगले दिन दुकानदार के पास साइबर ठग का फोन आ जाता है और वो अपने आप को कस्टमर केयर बताकर उससे एक ऐप डाउनलोड करवाता है और सारी डिटेल ले लेता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसके पेटीएम से करीब 75,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं। क्विक सपोर्ट, तो मैंने प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड कर दिया, सब फोन पर ही हो रहा था, जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने वैसे वैसे किया। क्विक सपोर्ट जैसे ही उस ऐप को मैंने डाउनलोड किया उसमें अलाउ का ऑप्शन आया, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको अलाउ करो, मैंने अलाउ कर दिया। तो उसके बाद एक ऑप्शन और आया था तो उन्होंने बोला उसको क्लिक करो, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो वो जो ऐप थी उसके द्वारा, अब मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे पेटीएम में जितना भी अमाउंट था सारा उन्होंने 5 मिनट के अंदर डिडक्ट कर लिया। तो मैं घबरा गया, मैंने उनसे कहा भैया ये ऐसा कैसे हो गया, तो उन्होंने बोला आप घबराओ मत, आपके पेटीएम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसी को ठीक करने के लिए हमने ये ऐप डाउनलोड करवाई है। सर मेरे पैसे पेटीएम में वो पूरे करके दिखा रहे थे और उधर अपने पास निकालते जा रहे थे, मुझे नहीं समझ आया। 5 मिनट के बाद ही मेरे पास मैसेज आता है कि आप बैंक की ओर से कि आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। जैसे ही मैंने ये मैसेज देखा कि कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो उसी समय मैं भागा, अपने भाई को, अपने पड़ोसियों को बुलाया, 2-3 बंदों को बुलाया, मैंने उनकी बात उससे करवाना चाही, तो उस बंदे ने छूटते ही बोला भैया अगर आप भीड़ इकट्ठी करके बात करोगे तो आपके पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मेरे ही अकाउंट से मेरे पेटीएम में ट्रांसफ़र करके अपने पेटीएम में डाल के वो निकालते जा रहे थे। इस हिसाब से 25,000 यहाँ से और 50,000, 76,000 उन्होंने मेरा
मेरे साथ फ्रॉड किया है। शॉप के लिए अपने पैसे जोड़े थे कि माल लाना था मुझे, सब कुछ उन्होंने मेरा निकाल लिया। मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। अब तक मेरे को कोई हेल्प नहीं मिल रही पेटीएम की ओर से, ना साइबर सेल से रिप्लाई है, ना कहीं से कोई रिप्लाई है। प्लीज़ हो सके, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी प्रकार के फोन आए जिससे मैं पागल बन गया, आप लोग सचेत रहें। दूसरी वारदात गांधीनगर इलाके की है, जहां एक महिला के खाते से 50,000 रुपए धोखाधड़ी कर निकाल लिए गए। पीड़ित महिला का कहना है कि उसके पास एक फोन आया था, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे उनके अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी ले ली और उसी के थोड़ी देर बाद उसके खाते से 50,000 रुपए निकल गए। फिर इसकी शिकायत लेकर वो महिला गांधीनगर थाने भी पहुंची, लेकिन वहां से कोई सही जवाब नहीं मिला। मैम, मैंने अमेजोन से बैग मंगवाया था, 500 का जो बैग था, तो वो बैग डिफेक्टेड था। मैंने उसे वापस करने के लिए गूगल से नंबर निकाला अमेजोन का, तो तब तो मैंने जब नंबर मिलाया तो पूरी बेल बज गई, तो किसी ने उठाया नहीं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा तो एकदम से बैक कॉल आती है मेरे पास कि मैम बोलिए आपने कस्टमर केयर पे मिलाया था, तो मैंने कह दिया हाँ मैंने मिलाया था। तो इतने में वो बंदा कहता है कि आप बताइए क्या दिक्कत थी, तो मैंने बताया भैया मैंने बैग मंगवाया था तो वो बैग डिफेक्टेड निकला है। बीच वाली बेटी है, उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, तो उसने उस बच्चे के जरिए उसको बोला कि पैसे वापस करने हैं, आपके अकाउंट में डालने हैं, तो आप एक ऐप लोड करो, उसके जरिए आपके पैसे बैग के पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। तो उसने एनी डेस्क ऐप लोड करवाई और उसके जरिए उसने मेरे फ़ोन को मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया और मेरे फ़ोन में जो मेरे बैंक के मैसेज थे जो भी था सब उसने देख लिया और उसके थ्रू मेरे पैसे 50,000 रुपये निकाल लिए। शाम के टाइम थाने गई, अपने गांधीनगर के थाने में गई, तो वहाँ कंप्लेंट की, तो वहाँ के आईए ने मुझे बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप साइबर सेल जाइए। मैं साइबर सेल भी 6-7 बार ही चक्कर काट आई हूँ, तो उन्होंने 7वें चक्कर पे मेरे को बोला कि अब हमने जो करना था हम कर चुके हैं, अब आगे का काम आपके आईओ का है, तो अब आप बताइए। जब आईओ ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए तो मैं कहाँ जाऊँ अब। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले विवेक विहार थाना क्षेत्र में हुआ था। विवेक विहार थाने के गोविंद खंड में रहने वाले एक शख्स के खाते से 2,00,000 रुपए धोखाधड़ी कर निकाल लिए गए थे। ऐसी घटनाएं आपको ये बताने के लिए काफी है, अगर कोई व्यक्ति फोन कर आपके खाते, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड की जानकारी मांगता है तो किसी भी सूरत में उसे जानकारी नहीं देनी चाहिए। लापरवाही बरतने से आपके खाते से ऐसे ही पैसे निकल सकते हैं। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ प्रियंका और अभिषेक जैन की रिपोर्ट, CCN के लिए। पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले चाइनीज मांझा राजधानी में बैन है, लेकिन इसके बावजूद चाइनीज मांझे की बिक्री हुई है। जब पतंग मांझा बेचने वाले दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मार्केट में चाइनीज मांझा ना तो बिक रहा और ना ही उपलब्ध है। हाँ, हो सकता है कुछ छोटे दुकानदारों ने लाभ कमाने के लिए चाइनीज मांझे की बिक्री की हो। हाँ बिल्कुल, बिका और बिक रहा है, लेकिन चाइनीज मांझा सर NGT ने बैन लगा रखा है, 3 साल, 1,00,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की सजा ये है। उसके बाद भी गली मोहल्लों में बिक रहा है, जो बेंगलोर में जहाँ बंद आता था अब अपने दिल्ली में ही लोकल लोग उसका डुप्लीकेट बना के बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आता है हम उससे ये कहते हैं कि हमारे बच्चे, आपके बच्चे, हमारे बड़े भाई पक्षी हैं, उनसे उससे नुकसान, हमें मनोरंजन करना है, मनोरंजन के लिए ऐसी हद पे मत जाओ जिससे किसी का नुकसान हो। लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं मानते, गली मोहल्लों में बिकता है, सब पुलिस को भी पता होता है, सब होता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। ये हमारी मार्केट है, मार्केट में हमारे पास में थाना है, अगर हम गलत चीज़ बेचेंगे तो वो पुलिस को भी पता है। इसलिए हमने जब से NGT ने बैन लगाया सब कुछ हुआ तब से 3 साल से हम लोगों ने ना बेचा ना ही हमने किसी को बेचने दिया। और हमें मेरा इससे पहले YouTube पे भी वीडियो है, मैंने उसमें भी कहा कि अब आम आदमी से कि भैया जो सादा मांझा है जो 100 साल से चला आ रहा है उसको उससे उड़ाओ, जो चीज़ गलत है उसको मत उड़ाओ जिससे किसी की जान ना जाए। EDMC की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर का कहना है कि ईस्ट MCD ने अपने 10 कम्युनिटी सेंटर्स को प्राइवेट हाथों में सौंपने की प्लानिंग बनाई है। कपूर ने बताया कि जिन कम्युनिटी सेंटर्स को प्राइवेट किया जाना है उनसे पिछले 3 साल में कितना रेवेन्यू मिला
उसका एवरेज निकाल कर रिजर्व प्राइवेट फिक्स किया गया है। देखिए, निगम की आर्थिक स्थिति आपको पता ही है कि जो राज्य सरकार है वो कॉपरेट नहीं कर रही। हर साल जितना बजट उन्हें आर्थिक सहायता जितनी निगम को देनी पड़ती है और खासकर पूर्वी निगम को वो सहायता नहीं मिल रही है। और जब से पूर्वी निगम का निर्माण हुआ है तभी से हम आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद सभी काम हम चला रहे हैं और लेकिन विकास के कार्य बहुत इससे बाधित हो रहे हैं। और इसके लिए हम जहाँ से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सकते हैं ऐसी जगह हम ढूंढ रहे हैं। हमारे सदस्यों के सुझाव आते हैं, हम दूसरे निगमों में देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। ऐसे ही दक्षिणी निगम के अंदर ये काम किया गया और वहीं से ये जो है पिछले एक साल पहले स्टैंडिंग कमेटी ने ये पास किया था कि वो समुदाय भवन, जैसे किसी भी वार्ड में दो समुदाय भवन है उसमें से एक समुदाय भवन लेकर उसे प्राइवेटाइज किया जाए और उसमें जो है प्राइवेट कंपनी जो है वो हमें जितना रेवेन्यू अभी आता है उसका कम से कम दुगने से लेकर तिगना वो हमें देगी और उसके अलावा उसकी मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, उस पर जो हमारा खर्चा होता है वो भी वही प्राइवेट कंपनी करेगी। लेकिन इसमें जो चार्जेस हैं, जो निगम के अपने चार्जेस होते हैं वही चार्जेस रहेंगे। देखिए, वो हमारे पास रूल्स हैं, जो हमने टेंडर दिया उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें मेंशन है। उसके अलावा वो कंपनी जो है मेंटेनेंस के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी और उसका सारा रख रखाव और बुकिंग भी वही कंपनी करेगी, लेकिन जो चार्जेस हैं वो जो निगम ने तय किए हुए हैं उन्हीं चार्जेस पर बुकिंग होगी। देखिए, एक तो हमें एक मुश्त जो है वो पैसा मिलेगा जो कि पहले से बढ़ा हुआ पैसा है। अभी क्या बुकिंग होती है तभी हमें पैसा मिलता है, लेकिन एक मुश्त पैसा मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा खर्चा वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखने में, सफाई करने में और मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है वो भी हमारा खर्चा बचेगा। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने दिल्ली सरकार से लेटर लिखकर मांग की है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को प्राइवेट स्कूल की इनकम के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नियम देश के कई राज्यों में लागू है कि दिल्ली में 500 रुपये से लेकर के और 5000 रुपये 10000 रुपये तक फीस लेने वाले स्कूल हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 10(1) ये कहता है कि सैलरी सब एक बराबर देंगे। जब मैंने पिछली बार दिल्ली सरकार को ये समझा था उस बात पे एग्री हो गई। उन्होंने 25 नवंबर 2015 को फुल पेज का एक विज्ञापन भी दिया था कि हम इस प्रकार से इस पे नियम बनाने जा रहे हैं, पर आज तक इसके बारे में कई बार मैंने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है पर दिल्ली सरकार ने आज तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा मानना है कि जब दिल्ली में हमने 5 कैटेगरी में स्कूलों की श्रेणी बनवा दी थी कि उसी हिसाब से सैलरी तय होनी चाहिए ताकि जो हर साल फीस बढ़ाने की समस्या आती है उससे स्कूल वाले भी निजात मिले और टीचर को भी ये लगे कि मेरे स्कूल की इतनी फीस है तो उतनी ही सैलरी मुझे मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में इससे दिल्ली में पढ़ने वाले कई लाख बच्चों के माता पिता को बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये सरकार को ये काम करना चाहिए जो उसने वायदा किया था, इसके लिए दिल्ली सरकार को मैं कई बार लिख चुका हूँ और अब फिर मैं दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करूँगा कि जहाँ वो दिल्ली में शिक्षा में सुधार की बात करती है तो दिल्ली में पढ़ने वाले जो पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो भी दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, वो भी इसी दिल्ली के बच्चे हैं, उनको भी राहत प्रदान करें। ये मेरी दिल्ली सरकार के साथ एक मांग है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN Den को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट को लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।